वेलकम बैक दोस्तों, आज पहली बार मैं आपके साथ डिजिटल बोर्ड पे आया हूँ और ये डिजिटल बोर्ड पे मैं आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपको मैं सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को आप देखें तो लाइक तो करें ही करें और इसको जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो बच्चों, मैं इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एनिमल सेल का फोटो बना हुआ है। इस इमेज में आप क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं, मैंने इसका नाम इरेज कर दिया है, बिना नाम वाला ईमेल लाया हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो सेल के बाहर बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल लेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जो व्हाइट कलर का आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। ये जो व्हाइट कलर का जो मेम्ब्रेन है, इसको आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर जो ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे सकते हैं, गॉल्जी बॉडीज। क्या नाम दे सकते हैं, गॉल्जी बॉडीज। ओके, तो ये हो गया गॉल्जी बॉडीज। और ये गॉल्जी बॉडीज को क्या कहा जाता है, सेल का सेक्रेटरी कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी। तो सेल का सेक्रेटरी मतलब सर ये सेक्रेशन का काम करता है। मैं अगर सिंपल भाषा कह दूं ना कि आपके बॉडी में कुछ भी टपकाने का अगर काम हो रहा है ना, तो यही टपकाता है। चाहे वो आंख से आंसू टपक रहा हो, मुंह से लार टपक रहा हो, बाकी चीज आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। तो ये सेल के अंदर जो मेन पार्ट है बच्चों, ये मेन पार्ट जो है सेल के अंदर, वो इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ओके ना, तो ये मेन पार्ट जो है न्यूक्लियस। ओके, तो ये सेल के अंदर जो मेन पार्ट है वो इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कह सकते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल का एंडोस्केलेटन कहलाता है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके बच्चों, और उसमें कहीं कहीं कुछ डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा छोटा डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो छोटा छोटा जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जनाब, इसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है जनाब, राइबोसोम। तो ये याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर आप फिर से गौर फरमाइएगा तो अंदर में एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, लस से लस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो बच्चों आपने सीखा कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और मैं दिखा दूं आप लोग को, ये जो पीले रंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा ना, ये है वैक्यूल। वैक्यूल, ओके जनाब, ये क्या है वैक्यूल, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में और भी कुछ देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, इसका नाम है माइक्रोटिब्यूल। माइक्रोटिब्यूल, ये क्या हो गया, माइक्रोटिब्यूल्स। तो ये याद रखें। और इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और पाए जाते हैं, इसको आप लाइसोसोम नाम दे सकते हैं, लाइसोसोम। तो ये सारी चीजें, ओके बच्चों, तो ये चीजें तो आप देख पा रहे हैं। और मेन बात मैं बता दूं कि सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस को क्या नाम दीजिएगा, तो साइटोप्लाज्म। क्या नाम दीजिएगा, साइटोप्लाज्म। ओके ना, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते जनाब, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक छोटा सा इंट्रो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, और इसी तरीके का लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए अपने YouTube चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस के थ्रू आपके लेकर आऊंगा। जो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, माथा मारी नहीं करना है, पढ़ना है और सफलता की ओर बढ़ना है। तो इस तरीके से इस लेक्चर को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।